समय पर न्याय प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है और इस दिशा में विधिक जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने सोलन जिला के अर्की में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। अर्की में कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने उपस्थित नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं तथा अधिवक्ताओं एवं अन्य के प्रश्नों के सारगर्भित उत्तर दिए और सभी से संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने कहा कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार प्रदान करता है। अधिकारों की एकरूपता सुनिश्चित बनाने और समाज के सभी विशेषकर कमजोर वर्गों को समय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से ही न्याय प्रणाली को जन सुलभ बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य पीड़ित को समय पर उचित लाभ प्रदान करना है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि शिकायतकर्ता अथवा पीड़ित को अपने समीप के न्यायिक अधिकारी तक पहुंचाएं। न्याय के अनुरूप उचित परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रदेश स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है। अर्की में आयोजित कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव पीपी रांटा ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पूरे देश में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन जन विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाकर उनके चिर लंबित कानूनी मामलों को सुलझाना है। ये जो कार्यक्रम था, ये कि पैन इंडिया अवेयरनेस कैंपेन चलाया पूरे हिंदुस्तान में, नासा से डायरेक्शन हुई, तो उसके तहत जो है ना माननीय न्यायाधीश चीफ जस्टिस श्री त्रिलोक सिंह चौहान जी जो हाई कोर्ट में जज है, हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, तो उनके दिशा निर्देश पे ये अभियान जो है ना पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, PLV और पंचायत के प्रतिनिधि, महिला मंडल के प्रतिनिधि, उनको सबको हम कनेक्ट कर रहे हैं। और साहब हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो है ना पिछले 3 दिन से जो है ना 4 डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर चुके हैं। आने वाले समय भी अभी छुट्टियां होने के कारण इतना दौरा कर चुके हैं, आगे भी ये दौरा करेंगे। इसका मुख्य जो एक मकसद है ये है कि हर आदमी को कानून की जानकारी होनी चाहिए, हर आदमी को कानून की जानकारी होनी चाहिए, खासतौर से जो गरीब व्यक्ति है, असहाय है, जो लाचार है, सड़क पे है, उन लोगों को हम अपने से जोड़ें। और जोड़ने का जो माध्यम है ये आंगनबाड़ी वर्कर्स है जो ग्रास रूट लेवल पे है, आशा वर्कर्स है जैसे मैंने आपको बताया, या फिर पंचायत के प्रतिनिधि, क्योंकि उनकी बात वहां तक जल्दी पहुंचती है, वो बात हमारे तक पहुंच जाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।